दोस्तों अभिनेत्री नुसरत भरूचा जल्द ही अपनी नेक्स्ट फिल्म जनहित में जारी के साथ बड़े पर्दे पर दोबारा नजर आने वाली है। ये सब फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी। इस फिल्म में ये सेल्स एग्जीक्यूटिव बनी हुई दिखाई जाने वाले हैं, जहां ये एक छोटे शहर से बिलोंग करती होंगी और जॉब की तलाश में कई मुसीबतों का सामना करती हुई नजर आएंगी। जहां हाल ही में इन्होंने अपने इंस्टाग्राम इस फिल्म का पोस्टर भी शेयर किया है और इस फिल्म के बारे में दर्शकों को बताया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म में नुसरत भरूचा के रोल के लिए इससे पहले कई अभिनेत्रियों को फिल्म के मेकर्स ने अप्रोच किया था, पर किसी न किसी वजह से उन अभिनेत्रियों ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। जी हां, तो आखिरकार वो कौन सी अभिनेत्रियां हैं जो जनहित में जा रही फिल्म में नुसरत भरूचा के रोल को रिजेक्ट कर चुकी है, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो के जरिए। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं उन्ही अभिनेत्रियों से। नंबर वन, दीपिका पादुकोण। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकारा दीपिका पादुकोण की। तो आपको बता दें, मेकर्स ने इस फिल्म के लिए नुसरत से पहले अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया था, लेकिन इस फिल्म में दीपिका पादुकोण हाई फेस की डिमांड कर रही थी और इनकी डिमांड इस फिल्म के मेकर्स के बजट से बाहर थी। तभी ये दीपिका पादुकोण की डिमांड पूरी नहीं कर सके, जिसके चलते दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। नंबर टू, आलिया भट्ट। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर बात करते हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट की। तो आपको बता दें, इस फिल्म के डायरेक्टर ने अभिनेत्री आलिया भट्ट को भी नुसरत के रोल के लिए सिलेक्ट किया था, जिसके लिए फिल्म के मेकर्स ने इन्हें इस फिल्म के स्क्रिप्ट भी दी थी पढ़ने के लिए, लेकिन ये फिल्म के स्क्रिप्ट में चेंजेस करना चाहती थी और इनकी ये डिमांड फिल्म के मेकर्स ने नहीं मानी, जिसके चलते आलिया भट्ट ने इस फिल्म में नुसरत के रोल को रिजेक्ट कर दिया। नंबर थ्री, कृति सेनन। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर नाम शुमार है अभिनेत्री कृति सेनन का। तो आपको बता दें कि इन्हें भी इस फिल्म में नुसरत के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन इनके बिजी स्केड्यूल के कारण ये इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए और इसी के चलते इन्होंने भी नुसरत के रोल को करने से मना कर दिया। नंबर फोर, जैकलिन फर्नांडिस। इस लिस्ट के चौथे नंबर पर बात करते हैं अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की। तो आपको बता दें, ये भी इस फिल्म के लिए चुनी गई थी, लेकिन जब मेकर्स ने इन्हें इस फिल्म के स्क्रिप्ट बताए तो इन्हें फिल्म की स्टोरी ज्यादा खास नहीं लगी। इनका मानना था कि ये फिल्म हिट नहीं हो पाएगी, जिसके चलते इन्होंने नुसरत के रोल को करने से मना कर दिया। बोल दोस्तों, आप इन अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री को नुसरत के रोल में देखना चाहते थे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।